Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important question which is based on the de Broglie hypothesis. तो इसके पहले हम de Broglie hypothesis को discuss कर चुके हैं. ये जो सिलसिला चल रहा है इसमें हम BSc second year की physics के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके third paper को. तो इसकी लगभग एक unit का theory part लगभग हो चुका है, कुछ numericals भी हुए हैं जैसे content में और photoelectric effect में. और de Broglie के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ये है. एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन ईच हैव अ वेवलेंथ ऑफ 2.0 एंगस्ट्रॉम, कंप्यूट देयर. तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, दोनों के वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम है, हमें फाइंड करना है. कंप्यूट देयर मोमेंटम, टोटल इनर्जीज एंड रेशियो ऑफ काइनेटिक इनर्जीज. तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन और फोटॉन दोनों के लिए मोमेंटम, उनकी टोटल इनर्जीज और देन उनका काइनेटिक इनर्जी का रेशियो. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है मोमेंटम. फोटॉन का मोमेंटम और साथ साथ इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम, उसके साथ टोटल एनर्जी. तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी और फोटॉन की टोटल एनर्जी, और फिर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी और फोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के रेशियो के बारे में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटर्न्स वगैरह में भी पूछता है और BSc स्तर पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे BSc के इंट्रेंस हो या MSc के इंट्रेंस हो, हर जगह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखिएगा, थोड़ी सी बेसिक डिफरेंस से ये क्वेश्चन होगा और कुछ चीज़ें यहाँ काफ़ी आसान हैं. तो हम जानते हैं de Broglie hypothesis से, de Broglie hypothesis सो लेमडा इक्वल h अपॉन p. de Broglie ने एक्सप्रेशन बताया था वेवलेंथ के लिए h अपॉन p. यहाँ पे h जो होता है वो है प्लैंक कांस्टेंट, और p था मोमेंटम ऑफ पार्टिकल या बॉडी या जो भी होगा उसका मोमेंटम. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम और दूसरा फोटॉन के लिए मोमेंटम, और गिवन है लेमडा इक्वल 2 एंगस्ट्रॉम. ठीक, दोनों के लिए लेमडा यही है. तो अगर हम फोटॉन के लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ से p क्या हो जाएगा, p इक्वल टू h अपॉन लेमडा. h की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, और लेमडा हमारा गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम. इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻¹० मीटर. इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा करीब 3.315 × 10⁻²⁴. ठीक है, −34 और −10 माइनस करेंगे तो आएगा इतना. तो ये हो गया एक तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ये मोमेंटम है एक तरह से, इसको हम ऐसे रिनोट कर देते हैं. तो ये फोटॉन का मोमेंटम है, ये क्या शो कर रहा है, ये मोमेंटम ऑफ फोटॉन है. क्लियर, तो एक प्रॉब्लम तो हो गया कि मोमेंटम प्रोटॉन फोटॉन का कितना होगा, तो वो इतना ही होगा, फोटॉन का मोमेंटम यही हो जाएगा. उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी हमें निकालना है, तो चूँकि वेवलेंथ दोनों का सेम है तो लेमडा क्या होगा, लेमडा भी दोनों का सेम ही हो जाएगा. तो सिंस द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, दैट इज 2 एंगस्ट्रॉम, सो द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन also will be same. जितना कि फोटॉन का है,
तो ये भी वही हो जाएगा. सो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 3.315 इंटू 10^-24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये बात हो गई पहले पार्ट की. जो पहला पार्ट हमारा था उसमें यही फाइंड करना था कि दोनों का मोमेंटम कितना होगा. तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जितना आएगा उतना ही मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा. ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम ही रहेगी. तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ. अब हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है. तो टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी पहले उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा. हमेशा हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो ज़रूरी है कि हम पहले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालें, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें. और पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हम फाइंड करते हैं रेस्ट मास एनर्जी. तो चलिए फाइंड करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम रिलेटिविस्टिक टर्म्स को हटा दें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी टर्म हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन 2m. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा केस ले रहे हैं m इक्वल टू m नॉट. तो एक तरह से नॉन रिलेटिविस्टिक वाला केस जहाँ पे मास को हम सेम रख रहे हैं. तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा m नॉट c स्क्वायर. रेस्ट मास ये क्या है, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का, और ये सी स्क्वायर. सो ये टोटल जो है वो क्या है, रेस्ट मास एनर्जी. रेस्ट मास एनर्जी होती है एम नॉट सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन एम नॉट. या सिंपली हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, हमें मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का पता ही था इतना, ये मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, इसी में अपॉन 2m नॉट कर देते तो भी हो जाता. सो यहाँ पे पी स्क्वायर ही होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m नॉट. इलेक्ट्रॉन का वही मास हम रख लेंगे, पी स्क्वायर अपॉन 2m नॉट. तो चलिए फाइंड करते हैं. तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी, पी अभी आया हुआ है ये, तो 3.315 इंटू 10^-24 का स्क्वायर अपॉन में है 2 m नॉट. सो 2 इंटू 9.1 इंटू 10^-31 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, एंड देन प्लस m नॉट c स्क्वायर. और ये वैल्यू अगर याद हो, अगर इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी याद है आपको, तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, जो कि होता है 0.51 MeV. वो याद है तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, अदरवाइज हम फाइंड कर सकते हैं. सो एम नॉट होता है 9.1 इंटू 10^-31 इंटू 3 इंटू 10^8. और चूँकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं. तो 1.6 इंटू 10^-19 या -13 करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी इतनी, 0.51 MeV. तो उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 3.3 है, ये करीब करीब 10 के आसपास होगा. 3.3 का स्क्वायर 9 होता है, 3.3 करीब 10 के आसपास होगा. तो 10 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, 12 इंटू 10^-48. क्लियर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 9.1 इंटू 10^-31. ठीक है, और इसको भी हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10^-19. तो जो पूरा टर्म है इसको अगर हम, ये जूल में आएगा, तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10^-19 जूल. ठीक है, तो इसीलिए हम इस टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, और ये हम डायरेक्ट यहाँ से लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा 0.51 MeV. ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं.
ये हो जाएगा सो 9 और ये 3.2 और ये 9 सो 10.12 इंटू 10⁻⁸8 अपॉन ये हो जाएगा 32। तो सबसे पहले हम इंटू कर लेते हैं 16 का यहाँ पे, तो 16 144 145 सो ये हो जाएगा 14.56 इंटू 10⁻, ये दोनों मिल के हो गए -50, ठीक है। और ये है 0.51 MeV, ये हो जाएगा कितना 28 या लगभग 29, ठीक है। और इसको हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 यानी 1012 और अपॉन में लगभग 29 पॉइंट समथिंग प्लस 0.51 MeV। आप एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, हम राउंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन का ये भी एक तरीका होता है, ये भी लगभग क्लोज ही रहेगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये करीब आता है 37.5 या 6 ऐसा कुछ आएगा। सो सपोज कर लेते हैं तो ये जो वैल्यू आ रही है वो हमारी वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हमने डिवाइड कर रखा है 1.6 × 10⁻¹⁹ से। तो ये आप चेक कर सकते हो 1.6 × 10⁻³⁴ करेंगे, क्योंकि ये जब हम 1 MeV निकालते हैं 1.6 × 10⁻³⁴ जूल होते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 MeV बराबर होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 3⁻⁶ हो जाता है, 6⁻ यहाँ माइनस होगा तो 13 हो जाता है, ठीक है। ये सारे यूनिट हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी वही है। तो ये हमारा जो टर्म आ रहा है ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और नेक्स्ट टर्म है 0.51 MeV, ये है MeV में। तो अगर हम इस टर्म को यहाँ पे ऐड करते हैं इसके साथ अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ जब हम ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म बहुत बड़ा है, दिख रहा है कि जो रेस्ट मास एनर्जी है, अब यहाँ पे क्या है, ये वाली जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, ये है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये MeV में है, तो ये ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसकी जो टोटल एनर्जी भी होती है वो अराउंड यही होती है 5.1 MeV। तो हम लगभग उतना ही मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर मान मिलेगा हमें, क्योंकि ये EV में है और ये MeV में है, ठीक है। तो ये रहा टोटल एनर्जी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो टोटल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन यही हो जाएगा जो उसका रेस्ट मास एनर्जी है, क्लियर। तो ध्यान रखिए, अगर कभी समय बचाना हो या कैलकुलेशन करने से बचना हो तो आप कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालते हैं तो ये समझ जाइए कि हमेशा जो रेस्ट मास एनर्जी है वही टोटल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब एनर्जी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन के लिए क्या करेंगे, फोटोन के लिए होता है हमारा फार्मूला E = h𝛎, टोटल फोटोन की एनर्जी यहीं से निकालते हैं, और ये हो जाएगा सिंपली hc/λ, और h/λ क्या है, h/λ एक तरह से p है और ये हो गया c। सो मोमेंटम हमने फोटोन का निकाल रखा था, केवल c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाएगा। तो मोमेंटम था कुछ यही था 3.315 × 10⁻²⁴ × 3 × 10⁸, ये हो जाएगा 15.49 और ये 9 हो जाएगा इंटू 10⁻, ये 8 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 16, इतना जूल आएगा। अब इसको हम अगर कन्वर्ट कर लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हम डिवाइड कर लेंगे इसको 9.945 × 10⁻⁙ को डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻⁹ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा
16 से करेंगे तो करीब करीब 6 point something आएगा, 6 point something 7 8 या 3 4 जो भी, और ये ऊपर चला जाएगा 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है फोटोन की टोटल एनर्जी। क्या है? ये है टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लियर? सो ये है टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 0.54 एमए भी, और टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन होता है 6.78 × 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमें अगला निकालना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं नेक्स्ट, सो थर्ड पार्ट है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। सो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला था, ये था 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? तो टोटल एनर्जी हमने निकाला था, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इतना था, और हम ये जानते हैं कि जो रेस्ट मास एनर्जी होती है फोटोन की वो ज़ीरो होती है। हमें पता है कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन ये क्या होता है? ज़ीरो होता है। रेस्ट मास एनर्जी ज़ीरो होती है क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास ज़ीरो होता है। सो उसका रेस्ट मास एनर्जी भी ज़ीरो होगी, क्योंकि हम कहाँ से निकालते हैं एनर्जी? m0c² एनर्जी हमारा यही है, आइंस्टीन का इक्वेशन e=m0c². तो चूंकि फोटॉन का रेस्ट मास ज़ीरो होता है, इसलिए फोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी ज़ीरो होती है। तो जो टोटल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी भी होती है, यानी फोटॉन के केस में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि जो टोटल एनर्जी होती है फोटॉन की वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है, क्योंकि रेस्ट मास तो उसका ज़ीरो होता है, तो जो नेक्स्ट टर्म है वो ज़ीरो ही है। तो फोटॉन के केस में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आया था वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये सिंपली हो जाएगा 6.78 × 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आता है कुछ 6 point something, ठीक है, 6.05, सो 10⁻³। ठीक है, तो ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये है आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी और फोटोन एनर्जी, फोटोन की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो जाएगा 6.05 × 10⁻³। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये देखने में आसान भी है लेकिन काफ़ी घुमावदार भी है। हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी फोटोन के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होता है, नहीं तो हम फोटोन की रेस्ट मास एनर्जी निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर ये सारा क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, अक्सर एंट्रेंस वगैरह में पूछता है, और इसमें कई पार्ट थे, इसका एक पार्ट भी बहुत था। इससे कभी टाइम बचाना हो और फोटोन का अगर हमने निकाल लिया है तो जो फोटोन का होगा मोमेंटम वही इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, ये हम डायरेक्ट समझ जाएंगे, वहाँ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे हमने 3 question कराया है, मोमेंटम भी, टोटल एनर्जी भी और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी। तो एक बड़ा क्वेश्चन था ये, लेकिन काफ़ी आसानी से हो गया। तो आई होप कि दिस वीडियो इज़ really helpful to all of you. So, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।